थर्मोडायनेमिक एक प्रॉपर्टी है प्रेशर। आज हम बात करेंगे जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर किसको बोला जाता है, गेज प्रेशर किसको बोला जाता है, वैक्यूम प्रेशर किसको बोला जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोला जाता है। बहुत सारे लोगों में बहुत मिसकन्फ्यूजन है। इसको समझने के लिए मैंने एक आसान सा ग्राफ ड्रॉ किया है। इस ग्राफ को आप एक बार अच्छे तरह से समझ लीजिए। एक बार अगर आप इस ग्राफ को अच्छे तरह से समझ लेंगे तो इसका डेफिनेशन चाहे इसका मैथमेटिकल प्रॉब्लम कुछ भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस ग्राफ में जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक्स एक्सिस में लिया है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को और वाई एक्सिस में लिया है प्रेशर को। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हम लोग के एटमॉस्फेयर में जो नॉर्मल प्रेशर रहता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसको हम बायोमेट्रिक प्रेशर भी कह सकते हैं। उसके बाद जान लेते हैं गेज प्रेशर किसको बोला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में जो भी प्रेशर है उसको हम गेज प्रेशर कह सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर हम किसको कहते हैं? जो भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक लाइन के बिलो में रहता है उसको हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। उसके बाद आ गया एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर हम किसको बोलते हैं? जो भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के ऊपर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे रहता है उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कह सकते हैं। आप ग्राफ में देख सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर में भी है और बिलो भी है। जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों पैरेलल लाइन में है और सेम रिपीटेडली एब्सोल्यूट प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर भी पैरेलल लाइन में है। अब इस ग्राफ को समझने के बाद हम मैथमेटिकल टर्म की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमको निकालना है गेज प्रेशर क्या है तो इसके लिए हम ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ में जैसे हम देख सकते हैं ये लाइन जो है ये एटमॉस्फेरिक लाइन है और जो गेज प्रेशर है उसके बराबर में पैरेलल लाइन है एब्सोल्यूट लाइन है। गेज प्रेशर का फॉर्मूला होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर। ये दोनों प्रेशर मिला के हम गेज प्रेशर को पा सकते हैं। वैसे ही दूसरा फॉर्मूला है वैक्यूम प्रेशर। जैसे कि आप देख सकते हैं वैक्यूम प्रेशर, इस प्रेशर को हम कैसे पा सकते हैं? इसके लिए आप देख सकते हैं ये जो लाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है और वैक्यूम प्रेशर के पैरेलल में है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एब्सोल्यूट प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हम वैक्यूम प्रेशर कितना है वो पा सकते हैं। इसी तरह से आप गैप देख के जो भी प्रेशर आपको ज़रूरत होगा उस हिसाब से आप अपना फॉर्मूला खुद निकाल सकते हैं।